मध्य प्रदेश में विगत 10 वर्षों के दौरान सैकड़ों तेंदुओं का अवैध शिकार किया गया है। इनके संरक्षण हेतु कोई भी योजना लागू नहीं की गई थी। इस मुद्दे को लेकर मनीष शर्मा, प्रांतीय संयोजक नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच जबलपुर के द्वारा एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर करते हुए तेंदुआ संरक्षण हेतु योजना बनाने की मांग की गई थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए चीफ कंजर्वेटिव ऑफिसर वन विभाग तथा मुख्य सचिव वन विभाग को दिशा निर्देश देते हुए याचिका का निराकरण किया। मध्य प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में सैकड़ों तेंदुओं का अवैध शिकार किया गया था, साथ ही मध्य प्रदेश में इनके संरक्षण के लिए कोई भी योजना लागू नहीं की गई थी। हमारे द्वारा बार बार मध्य प्रदेश सरकार से यह मांग की जा रही थी कि तेंदुए संरक्षण के लिए योजना बनाई जाए और इनके अवैध शिकार रोके जाए, परंतु जब सुनवाई नहीं हुई तो हमने एक माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करके यह मांग की थी कि तेंदुए संरक्षण के लिए सरकार को निर्देशित किया जाए। आज माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस श्रीवास्तव जी की बेंच द्वारा इस मामले की सुनवाई की गई और एक विस्तृत दिशा निर्देश मध्य प्रदेश सरकार को जारी करते हुए यह कहा गया कि याचिकाकर्ता द्वारा जो मांग की जा रही है उनके पत्रों पर, उनकी मांग पर ध्यान दिया जाए और जो भी मांग है उसको पूरी करते हुए तेंदुए संरक्षण के लिए योजना बनाई जाए तथा 6 सप्ताह के अंदर याचिकाकर्ता को इस संदर्भ में सूचित किया जाए और हमें यह स्वतंत्रता दी गई यदि राज्य शासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो हम पुनः याचिका दायर कर सकते हैं। मामले का निराकरण कर दिया गया। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।